हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। स्टडी ग्लोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस लेक्चर में हम चाइना के फर्स्ट सक्सेसफुली कंडक्टेड COVID-19 वैक्सीन ट्रायल ऑन मंकीज के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल राशि सिंगल पर पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर करूंगी। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना वायरस ने विश्व भर को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। इसमें लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवाई। वहीं चाइना, जहां से COVID-19 की शुरुआत हुई, वहां से एक अच्छी खबर सुर्खियों में आई है, अच्छी खबर देखने को मिल रही है। चाइनीज साइंटिस्ट ये क्लेम कर रहे हैं कि कंट्री ने अपना पहला सक्सेसफुल वैक्सीन ट्रायल किया है मंकीज पर, और जो कोरोना वायरस का क्योर ढूंढने की कड़ी में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिकोवैक, जिसे बीजिंग की सिनोवैक बायोटेक ने बनाया है, उससे अच्छे रिजल्ट्स दिखाई दिए जब ट्रायल के दौरान उसे रेसस मकाओ पर अजमाया गया। रेसस मकाओ एक टाइप के मंकीज हैं जो इंडिया में ओरिजिनेट होते हैं। अब हम ट्रायल की बात करते हैं। देखिए, ट्रायल में 8 मंकियों पर ये ट्रायल किया गया था। वैसे 12 मंकी थे, जिसमें 4-4 के ग्रुप में डिवाइड किया गया था। 4 मंकीज को वैक्सीन की लो डोज दी गई थी और 4 को हाई डोज दी गई थी, और 4 को डोज दी ही नहीं गई थी। ये सारे जो मकाओ थे, सारे जो मंकीज थे, वो पीड़ित थे कोरोना वायरस से, ठीक है। तो जिनको लो वैक्सीन दी गई थी उनमें वायरस का स्ट्रेन एक हफ्ते बाद देखा गया, और जिनमें हाई डोज दी गई थी उनको देखा गया कि वो एक हफ्ते बाद क्योर हो गए और उनकी लंग्स में वायरस का कोई स्ट्रेन नहीं मिला। जो बाकी 4 मंकी जिनको हमने डोज दी ही नहीं थी, एक हफ्ते बाद वो सीवियर निमोनिया से पीड़ित हो गए। अगर हम साइंस मैगजीन की पब्लिश रिपोर्ट की माने तो ये जो वैक्सीन दी गई है वो इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करती है कि वो एंटीबॉडीज डेवलप करे वायरस के अगेंस्ट, COVID-19 वायरस के अगेंस्ट, जिससे जो बॉडी है वो पहले ही इम्यून हो जाएगी और फिर ये वायरस जो है वो इफेक्ट बॉडी को नहीं कर पाएगा। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी सामने आया कि चाइना जो ये ट्रायल्स हैं वो अप्रैल माह से ही कर रहा है और वो ह्यूमंस पर भी टेस्ट कर रहा है। इसी कड़ी में एक और बात सामने आई है, एक और वैक्सीन का नाम सामने आया है जिसे चाइनीज मिलिट्री इंस्टीट्यूशन ने बनाया है और वो ह्यूमंस पर टेस्ट की जा रही है। और साइंटिस्ट को ये भी रिपोर्ट सामने आई है, ये भी बात सामने आ रही है कि साइंटिस्ट को फ्यूचर में वॉलंटियर्स की कमी होने वाली है, जैसे चाइना ने SARS-CoV-2003 में ऐसी कमी देखी थी, क्योंकि जो ये COVID-19 के केसेस हैं वो चाइना में फ्यूचर में कम हो जाएंगे, 100 के नंबर में हो जाएंगे, तो वॉलंटियर्स ढूंढने में दिक्कत आ सकती है, तो इससे वैक्सीन बनने में भी दिक्कत आएगी। फिलहाल वो चाइनीज मिलिट्री इंस्टीट्यूशन ऐसा कह रहे हैं कि ह्यूमंस पर भी जो ट्रायल है वो सेकंड स्टेज में है और वो होप कर रहे हैं कि ये सक्सेसफुल होंगे। तो हम इसी नोट पर अपना लेक्चर समाप्त करते हैं कि उनका जो टेस्ट है वो सफल हो, वो सक्सेसफुल हो, और जो भी हमारा जो विश्व है वो इस चीज से पीड़ित है वो जल्द ही उस चीज से उभरे और आगे आए और दोबारा से अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुरू करे। मैं इसी नोट पर अपना लेक्चर समाप्त करती हूँ। मैं जल्दी एक नए एनालिसिस के साथ दोबारा हाजिर होंगी। टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।